नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपको आने वाले कॉन्स्टेबल के एग्जाम में और कोई भी आपने हिमाचल का अदर एग्जाम भरा है तो उसमें जो है वो हेल्प मिल सके। पिछले कल हमने एक वीडियो डिस्कस की थी जिसमें हमने 100 क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किए थे। एक तरह डिस्कस किए थे, इंग्लिश के भी वहाँ पर क्वेश्चन थे और हिंदी के भी वहाँ पर क्वेश्चन थे, तो वो 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किए थे। आज बच्चों के कमेंट्स आए थे कि इंग्लिश का सेक्शन जो है वो डिस्कस करें, तो इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस करेंगे। और देखिए, जैसे जैसे हमें पता चलता जाएगा हमें कि कितने लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जिनका कॉन्स्टेबल का एग्जाम है, आपका रिस्पांस अच्छा मिलता जाएगा। वैसे वैसे जो सेक्शन आप कहेंगे वैसे वैसे हम उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से फिलहाल स्टार्ट करते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूं, तो देखिए डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। यहां पर बोलते हैं चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच की एक करेक्ट फॉर्म आपको चूज करनी है। यहाँ पर पूछा गया है ही सेड टू हिम प्लीज वेट हेयर टिल आई रिटर्न, तो इसका जो सही होगा वो क्या होगा, 31 का, 31 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, तो ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं ही सेड आई डू नॉट विश टू इंटरप्ट यू, तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके रूल्स आप ढंग से पढ़ लीजिएगा पहले, ठीक है, रूल्स पढ़ेंगे तो ईजिली जो है आपको इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर है, ही सेड दैट ही डिड नॉट विश टू इंटरप्ट देम, ठीक है, देम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 33, 33 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोलते हैं रामा सेड टू अर्जुन गो अवे, तो 33 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, रामा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, रामा ने ऑर्डर किया अर्जुन को कि तू चला जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 है, 34 में क्या पूछते हैं, ही सेड आई सॉ दिस मैन लॉन्ग अगो, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग बिफोर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं 35 से लेकर 36 तक आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। देखो रीअरेंज क्वेश्चन आपकी पूरी स्क्रीन पर है, 35 नंबर क्वेश्चन, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको रीअरेंज करिए खुद से, फिर आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस किस तरह से होगी। 35 का अभी मैं आपको सही आंसर बताता हूँ, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही आंसर है। सबसे पहले दूसरा होगा, ये पहले नंबर पर होगा, उसके बाद चौथा होगा और उसके बाद तीसरा होगा और उसके बाद दूसरे नंबर पर ये होगा और तीसरे नंबर पर जो है वो तीसरा ही ऑप्शन होगा और चौथे नंबर पर पहला ऑप्शन होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अभी मैं एक बार इसको पढ़कर बोलता हूँ, मिस्टर मैनी वॉज एन इनोसेंट मैन, ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, इट वॉज रिगार्डेड इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज इन माई फर्म, ही हैड इनहेरिटेड दैट मनी फ्रॉम एन अंकल, तो ये देख लीजिएगा इस तरह से इसका सही आंसर होगा। 36 को भी आपको रीअरेंज ही करना है, तो 36 को रीअरेंज किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है, इसमें चार ऑप्शंस दी गई हैं, ठीक है, चार ऑप्शंस दी गई हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप देखिए, अभी आपको चार के चार ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार ढंग से पहले, ठीक है, और उसके बाद जो है इसका आंसर कीजिएगा। तो 36 की बात करें कि इसका सही आंसर क्या है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है, पहले तीसरा होगा, चौथा होगा, फिर दूसरा होगा और फिर पहला होगा। 36 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 37 देखिए, 37 में बोलते हैं 37 से लेकर 38 क्वेश्चन तक आपको क्या करना है, बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है वर्ड्स का, इनके एक तरह से कह लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HPSSC भी इस तरह के क्वेश्चन पूछती है और देखो कॉन्स्टेबल के एग्जाम में भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे। यहाँ पर पूछते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिम, तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय हिम जो उसके द्वारा खुद ही लिखी गई होती है उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है 37 का। 38 में बोलते हैं लवर ऑफ मैनकाइंड, तो मैनकाइंड का जो लवर होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, फिलेंथ्रोपिस्ट उसके लिए यूज किया जाता है। एथिस्ट क्या होता है, जो भगवान को नहीं मानता है उसको एथिस्ट कहते हैं। यहाँ पर ऑप्टिमिस्ट भी दिया गया है, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, आप आशावादी कह सकते हैं, आशावादी भी इसको कहते हैं, जो जो है ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसी चीज जो सिर्फ ब्राइट चीज की ओर देखेगी किसी भी पक्ष के, ये ध्यान रखिएगा। फिलेटलिस्ट किसको कहते हैं, तो ये कहा जाता है यानी कि जो डाक टिकट होते हैं, स्टैंप कलेक्शन आप कह सकते हैं, स्टैंप कलेक्शन को फिलेटलिस्ट कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बोलते हैं करेक्ट मैस्कुलिन जेंडर फॉर विक्सन, विक्सन का जेंडर क्या होगा, करेक्ट जेंडर जो होगा वो होगा फॉक्स, फॉक्स विक्सन, ये हमने पिछले कल भी 100 क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं पढ़ा था, ध्यान है मुझे, वहां पर भी रिपीट हुआ था, ठीक है, दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए। 40 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं कि यहाँ पर पूछते हैं मैस्कुलिन जेंडर फॉर डक, डक का जेंडर पूछा गया है, तो डक का जेंडर क्या होता है, ऑप्शन डी ड्रेक जो है इसका जेंडर होता है, डक का ड्रेक जेंडर होता है, और कॉक का जेंडर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, कॉक का जेंडर कमेंट करके बता दीजिए। 41 देखिए, बोलते हैं
41 क्वेश्चन से लेकर 44 क्वेश्चन तक आपको प्रेपोजिशन जो है वो कंप्लीट करनी है डालकर। तो 41 देखिए, प्रेपोजिशन के बेसिक रूल सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा कि बेसिक रूल इसके क्या हैं। तो 41 में पूछते हैं, आई कीप अ डिक्शनरी, यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स है, मी एज आई हैव टू कंसल्ट इट सो ऑफन। तो 41 का सही आंसर क्या होगा, आई कीप अ डिक्शनरी बिसाइड यहाँ पर होगा, बिसाइड मी एज आई हैव टू कंसल्ट इट सो ऑफन। 42 देखिए, आचार्य थ्रू द बॉल, तो विद द ब्लैंक्स है द गेट। तो 42 का जो है वो सही होगा, आचार्य थ्रू द बॉल ओवर द गेट होगा, ओवर द गेट ऑप्शन सी सही आंसर है। 43 में बोलते हैं, आई प्रेफर टी कॉफी, तो 43 का सही क्या होगा, आई प्रेफर टी टू कॉफी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। आगे 44 देखिए, 44 में पूछते हैं, आई कुड नॉट अटेंड द कॉलेज माई इलनेस, 44 का होगा, आई कुड नॉट अटेंड द कॉलेज ड्यू टू माई इलनेस, ड्यू टू होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 44 के बाद 45 है, 45 में बोलते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द ईडीएम, ईडीएम कंप्लीट करना है आपको, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बोलते हैं एज ब्लाइंड एज बैट यहाँ पर होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है, एज ब्लाइंड एज बैट, 45 का सी सही आंसर है। 46 में बोलते हैं, एज फेथफुल एज डॉग, डॉग फेथफुल होता है, तो एज फेथफुल एज डॉग। 47 में बोलते हैं, एज कनिंग एज आ किसकी तरह, फॉक्स की तरह, फॉक्स ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 48 में बोलते हैं, एज जेंटल एज, तो किसकी तरह जेंटल, एज जेंटल एज लैम्प, लैम्प ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 48 के बाद बोलते हैं, 49 से लेकर 52 तक आपको क्या करना है, साइनोनियम बताने हैं, मतलब सिमिलर मीनिंग बताने हैं। यहाँ पर मस्टर दिया गया है, मस्टर का सिमिलर मीनिंग क्या होता है, तो 49 का ऑप्शन है कलेक्ट जो है इसका सही आंसर होगा, कलेक्ट 49 का सही आंसर है। अपैथी दिया गया है, अपैथी का क्या होगा, अपैथी का होगा इनडिफरेंस, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 50 का ऑप्शन ए इनडिफरेंस सही आंसर है। 51 देखिए, 51 में दिया गया है शोव, शोव का क्या होगा, शोव का होगा ऑप्शन बी पुश, पुश इसका सही आंसर है, 51 का ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं स्टेगनेंट, स्टेगनेंट का क्या होगा साइनोनियम, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन ए स्टेशनरी, स्टेशनरी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 52 के बाद 53, यहाँ पर बोलते हैं क्या करना है आपको, करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो करेक्ट कंजक्शन चूज करनी है आपको। 53 देखिए, बोलते हैं बी जस्ट फियर नॉट, 53 का होगा बी जस्ट एंड नॉट फियर, एंड फियर नॉट, बी जस्ट एंड फियर नॉट। 53 के बाद 54 बोलते हैं, डू नॉट गो आई कम, डू नॉट टील होगा यहाँ पर, डू नॉट टील आई कम, 54 का ऑप्शन है सही आंसर है। 55 में बोलते हैं, आई हैव बीन इन सच अ पिकल आई सॉ यू लास्ट, 55 का होगा आई हैव बीन इन सच अ पिकल, 55 में जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सिंस आई सॉ यू लास्ट, 55 का ऑप्शन सी सिंस ध्यान रखिएगा। 56 देखिए, 56 में बोलते हैं, आई हैव नेवर सीन हिम दैट अनफॉर्चुनेट इवेंट हैड हैपन, यहाँ पर होगा I have never seen him since he, यहाँ पर भी होगा since that unfortunate event had happened, ये ध्यान रखिएगा। 56 के बाद 57 से लेकर 60 तक ये बोलते हैं कि opposite meaning आपको यहाँ पर बताना है। तो for दिया गया है, for का opposite meaning क्या होता है, इसका opposite meaning होता है friend, for friend option C सही आंसर होगा। timid दिया गया है, most important है, बहुत ज़्यादा exams में पूछा गया है, timid जो है HPSC ने भी कई बार पूछा है, इसका होगा बोल्ड, ऑप्शन बी जो है वो बोल्ड सही आंसर है। आगे है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी का एडवर्सिटी जो है वो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग क्या है इसका, एडवर्सिटी इसका अपोजिट मीनिंग है। 60 है मिजर का जो है वो अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग है इसका स्पेंड थ्रिप्ट, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, स्पेंड थ्रिप्ट जो है वो सही है। और देखिए बता दीजिएगा कि आगे आपको कौन सा सेक्शन चाहिए, किस तरह से हम डिस्कस करें आगे, और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है ना तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, इस तरह से सर्च कीजिएगा अपने टेलीग्राम से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, 14,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि वहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो सब कुछ आपको मिलता रहे, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्विजीज हो, क्वेश्चंस हो, वन लाइन क्वेश्चंस हो, नोटिफिकेशंस हो, एडवर्टीजमेंट्स हो, कुछ भी हो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही काफी है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।